नामांकन के अंतिम दिन लगभग 8 से अधिक उम्मीदवार ने नामांकन का पर्चा दाखिल निर्वाची पदाधिकारी नरंजीत कुमार के बीच किया, लेकिन इस बीच जो चर्चा है संजय कुमार को लेकर के उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया अंतिम दिन, विशेष परिस्थिति में नामांकन हुआ क्या? विशेष परिस्थिति है कि तारापुर विधानसभा में उपस्थिति हमारी 18 साल से है जी, और हम पार्टियों के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है जी। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारी भी ताकत है और दिखाएंगे। सर, आप जन परिषद तेज प्रताप जी से जुड़े हुए हैं, उनके संगठन से भी जुड़े हुए हैं। नेचुरली है कि जब घर में बातें विवाद हो, जो कि सब बारू के लिए यहाँ पे आ रहा है, क्यों भाई कि यहाँ जब इसका मतलब यहाँ उम्मीदवार नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं उम्मीदवार है तो अपनी आँखों को बदलिए, अपने नजरिया। संजय जी, तो तेज प्रताप ने ये नाम सुझाया और आपको कहा कि आप जाके चुनाव लड़िए और दिखाइए कि यादवों को जो जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, तो आप जाइए यादव बिरादरी से का समर्थन मिलेगा आपको? भी मिलेगा, तेज प्रताप जी हमारे साथ घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, लालू जी का भी आदेश है, कहीं दिक्कत नहीं है, समय बताएंगे। देखिये, ये संजय कुमार ने ईटीवी भारत के साथ सीधे सीधे कहा तेज प्रताप का समर्थन है मुझे, यानी संजय कुमार तेज प्रताप ने जो संगठन बनाया है उन वो इनको समर्थन करके इनको भेजे हैं उम्मीदवारी के लिए और ये लड़ेंगे। आखिर क्या जरूरत पड़ गई, फिर एक बार हम बताएंगे। ये जनता से पूछे हमसे। संजय जी, चलिए नामांकन किए हैं, ईटीवी भारत आपको शुभकामना देती है। किस तरह का कैंडिडेट जदयू लोजपा लोकतंत्र में स्वतंत्र है कोई भी लड़ने के लिए, आप कोई पार्टी से मतलब? हम मैं खुद चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, हम कोई पार्टी की बात नहीं करता, मैं अपना मिशन में। आप इन सबों में कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखेंगे समय, हम तो पहले भी निर्दलीय लड़े हुए हैं, 18,000 वोट लाए हुए हैं, अब देखने की जरूरत है क्या? ये हमारी उपस्थिति दर्ज है तारापुर विधानसभा में, फिर लड़े थे 22,000 लाए थे, अब कुल जो दिखाने के लिए बचा हुआ है क्या? देखना तो नेतृत्व को चाहिए, अपेक्षित हुआ नेचुरली। तेज प्रताप आएंगे चुनाव प्रचार के लिए? एकदम घर घर जन जन में जाएंगे। कब से आ रहे हैं सर, कुछ ऐसा अब प्लान होगा सर? धन्यवाद। ये थे संजय प्रसाद, इन्होंने कहा है कि तेज प्रताप ने कहा कि यादवों का जो नहीं मिल पा रहा था उम्मीदवारी, तो मुझे कहा गया और मैं यहाँ से उम्मीदवार हुआ हूँ और तेज प्रताप आएंगे और घर घर मेरे लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो गया है तारापुर विधानसभा का चुनाव, जहां घर में विवाद हुआ तेजस्वी का राजद का उम्मीदवार और अब तेज प्रताप के उम्मीदवार संजय कुमार यहां बने। जनता किसे साथ पहनाती है? मुंगेर से टीवी भारत के लिए सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।